अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सैमसंग A03, जिसका था इंतज़ार वो मार्केट में आ गया है। अनबॉक्सिंग मैंने कर ली थी। अब मोबाइल का आपको रिव्यू बताता हूँ, इस मोबाइल में क्या खामियां हैं और क्या कुछ कमी है। सबसे पहले हम आते हैं इसके लुक की तरफ। बैक पे दो कैमरे दिए हैं, एक 50 MP कैमरा मेन कैमरा है और दूसरा कैमरा जो है 2 MP डेप्थ कैमरा दिया है। LED फ्लैश दी हुई है और 1080 30 FPS की वीडियो बनाएगा। और इसका फ्रंट कैमरा जो है ना 5 MP f/2.2 अपर्चर के साथ, और बैक कैमरा 1.8 अपर्चर के साथ है। और इसके अलावा इसकी मैं आपको वेट बताता हूँ, और इसकी सबसे पहले इसकी थिकनेस बताऊँगा। 9.1 mm की थिकनेस है और 196 ग्राम का ये इसका वेट है। लुक बहुत अच्छा है। बैक प्लास्टिक दी है, लेकिन ये वो प्लास्टिक दी है जिस पे आपका जो है ना फिंगरप्रिंट के निशान नहीं लगेंगे। बाकी इसमें इसके अंदर जो है ना अपना फिंगरप्रिंट नहीं दिया है, सिर्फ फेस अनलॉक दिया है जो कि फास्ट काम करता है, जो कि इतना फास्ट काम नहीं करता। बाकी इसका डिस्प्ले मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले है। आप देख सकते हैं स्पीड इसकी नॉर्मल है 3 GB और 32 GB है, ठीक है। और एंड्रॉयड 11 के साथ है। ऑक्टा कोर 2.1.6 है, ऑक्टा कोर 2.1.6 है ऑक्टा कोर, और 1.6 GHz है। और इसमें जो प्रोसेसर लगाया हुआ है वो प्रोसेसर अच्छा हार्ड ड्राइव EMMC 5.1 है। और ग्लास फ्रंट है, प्लास्टिक बैग है, प्लास्टिक फ्रेम है। उसके अलावा PLS LCD है इसमें, PLS IPS नहीं है, PLS है। और 6.5 इंच की इसका डिस्प्ले है। और बाकी आपके सामने है लुक। बाकी आपके सामने लुक है, आप देख सकते हैं LCD डिस्प्ले। और साइड में इसका यहाँ पे सिम ट्रे दी हुई है, और ये वॉल्यूम बटन है, पावर बटन है, ये वॉल्यूम बटन है इस तरफ और ये पावर बटन है, और यहाँ पे अब सिम ट्रे दी हुई है। अच्छा, अब मैं आपको इसका स्पीकर आवाज़ चेक करा देता हूँ, साउंड चेक करा देता हूँ आपको इसका। स्पीकर लाउड है, स्पीकर अच्छा खासा लाउड है, आपको अच्छा लगेगा। आवाज़ इसकी लाउड है। और टाइप सी नहीं दी इसमें, ये कमी की है सैमसंग ने, टाइप सी नहीं दी। USB 2.0 दी है और 5000 mAh की बैटरी दी है इसमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर जो है ना जो भी 20-22-25 हज़ार रुपये की रेंज में चाइनीज़ ब्रांड आ रहे हैं, ओप्पो वीवो और इस तरफ के इन्फिनिक्स
इन इन ब्रांडों से तो बहुत ही लाखों करोड़ों दर्जे ये अच्छा फ़ोन है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है उनमें और इनमें। एक तो सबसे बड़ी बात है ब्रांड है, और जो लोग ब्रांड यूज़ करेंगे तो वो चाइनीज़ सेट को हाथ भी नहीं लगाएंगे, ये मेरा दावा है। दूसरी चीज़ ये है कि इस रेंज प्राइस में, 18,000 की प्राइस में बहुत ही अच्छा सेट बनाया है। बस कुछ जगह हैंगिंग है, कैमरा खोलते हैं हैंग होता है कैमरे कैमरे में, और बाकी स्पीड भी सही है, और ये देख सकते हैं आप। स्पीड भी सही है, नॉर्मली स्पीड है और अच्छी स्पीड है। बाकी है कि इस प्राइस रेंज में 50 MP कैमरा तो आउट क्लास दे दिए इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त चीज़ दी इन्होंने। 50 MP कैमरा इस 18,000 रुपये में, पाकिस्तानी रुपीस में बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, जो कि 30,000 रुपये तक, मेरे अपनी ओपिनिंग है, राय है कि 30,000 रुपये के चाइनीज़ ब्रांड से तो बेहतरीन है ये सेट। बाकी आप लोग प्लीज़ जो है ना, इसका कैमरा रिव्यू ही मैंने किया है, जो वीडियो के एंड में आपको इंशाल्लाह आप उसको देखिएगा, फ़ोटोज़ को मैंने क्लिक की हैं फ़ोटोज़ बहुत सारी, आप देखिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये सेट कैसा लगा। और बाकी मुझे इजाज़त दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।